कि हाँ इस होली पे सूरज चाहता है कि चकोर उसे सबसे पहले रंग लगाए, और वो ये भी चाहता था कि वो कुछ स्पेशल करे चकोर के लिए, क्योंकि वो बेमान और इमली को देखता है कि वो कैसे इतने प्यार से होली मना रहे हैं, तो वो कुछ करता है, लेकिन दोनों मिल नहीं पाए हैं। हालांकि कोइंसिडेंटली एक दूसरे को रंग वो लोग लगा देते हैं, अब कैसे लगाते हैं वो आप देखिएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उन दोनों ने एक दूसरे को रंगे। सूरज ने चकोर के लिए एक जगह बहुत अच्छे से सजाई थी और कुछ रंग और फूल वगैरह टांगे हुए थे कि जब वो आएगी तो उसे वो पुल करेगा एक स्ट्रिंग एंड देन उसके ऊपर शार होगा, बट उसे पता चला कि वो नहीं आई है गांव में, तो उसे गुस्सा आ गया जैसा कि उसका नेचर है, तो वो गुस्से में वो खींच के निकल गया वहाँ से, और उसी टाइम चकोर की एंट्री हो गई। जी हाँ, सूरज जो है अभी हवेली जा रहा है क्योंकि पाखी ने उसे बताया कि चकोर तो नहीं मिल रही है, अगर यहाँ नहीं है तो हवेली में ही होगी, तो क्यों नहीं आप वहाँ जाके मिल लेते हैं। तो सूरज उसे मिलना तो चाहता ही है, बट यहाँ पे नाटक करके जाता है कि हाँ हम उससे झगड़ा करेंगे जाके एंड, और वो हवेली के लिए निकलता है एंड चकोर इज़ हियर, और उसे पता चलता है कि सूरज हवेली जा रहा है, यानी कमल नारायण तो वैसे ही उसके जान के पीछे पड़ा रहता है, तो मौत के मुंह में क्यों जा रहा है, तो उसे रोकने के लिए उसके पीछे भाग गया।